मधु मंसूरी हंसमुख एक ऐसा नाम जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन में ना जाने कितने गीत लिखे होंगे, ना जाने कितने गीत गाए होंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। सर, झारखंड को बने लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं, आपके झारखंड को बने हुए, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जिस प्रकार से भाषा आंदोलन, स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर राजनीति हो रही है, मधु मंसूरी हंसमुख इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? यह बात आपने बोला बहुत सच बोला। जिस उम्मीद से आदमी बलिदान दिया है, समय शक्ति पैसा गंवाया है, घर परिवार उजाड़ा है, अपना काम छोड़ के आंदोलन किया है, मैं स्वयं पूरा जिंदगी इसमें लगा दिया हूँ, अपना सरकारी नौकरी करता था मेकोन में, वो सबको एकदम तिलांजलि दे दिया, और आज तो हम पश्चाताप करते हैं अपने बारे या अन्य लोगों के बारे, जो समय शक्ति गंवाया, जिसने जान गंवाया, जिसने जेल गया, तो ये सब तो पश्चाताप करने के लायक है। और आंदोलन अलग राज होने पर जितना खुशी मिला था, उस अनुपात में अभी खुशी नहीं है। इसलिए नहीं है, अलग राज तो मिल गया, लेकिन जल जंगल जमीन खनिज खजाना का जो लूट था वो कम नहीं है। सर, मधु मंसूरी हंसमुख जी, जब भी राज्य में कोई ज्वलंत मुद्दा होता है, चाहे बेरोजगारी होती है, चाहे ऐसे कोई भी संकट अगर राज्य में आते हैं, तो आप मुखर होकर बोलते हैं। आप अपने शब्दों में ये जो चल रहा है उसे कैसे बयां करेंगे? देखिए, हम अपनी दर्द को, हमारे लोगों की दर्द को, हमारे लोगों की परेशानी को अगर हम नहीं बोले तो हम एक अच्छा नागरिक नहीं हैं। एक अच्छा नागरिक कतई नहीं हो सकते हैं। और हम एक शिकायत नहीं, थोड़ा कष्ट होता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको हम वोट दिए हैं बहुत उम्मीदों से कि लो तुम्हारे कंधे में इस राज की जिम्मेवारी 5 साल के लिए दे दिया, और वो अगर चुप रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है, तो उनको बोलना चाहिए। ये मेरा। सर, कोई ऐसा गीत जो आप इन चीज़ों को बयां करें? देखिए, अभी से 2-4 दिन पहले हम देख रहा था टीवी न्यूज, एक बुलबुल जंगल है, उधर उग्रवादी संगठनों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, एक मारा गया, 5-7 लोग पकड़ाया, और उसमें आदिवासी और एक मुस्लिम लड़का और 2 महिलाएं जवान बेटी। मैं उनको टीवी से देख रहा था, उनके चेहरे में चमक नहीं था, उनके शरीर में मने मांस नहीं था, हट्ठा कट्ठा नहीं थे, लगता था कि ये उग्रवादी है, ये चोर है, ये डकैत है, ऐसा हमको महसूस होता था। गलती किया तो गलती है, लेकिन भूख, मजबूरी, बेरोजगारी में आदमी एक इंजीनियर से, एक ठेकेदार से रंगदारी मांग लेता है, चोरी डकैती कर लेता है, ये बात हम नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। बाधा तो है, लेकिन वो जो रंगदार है ना, वो जो विकास कामों पर जो बाधक बनते हैं ना, उससे खतरनाक आदमी वो है जो राज में गबन घोटाला भ्रष्टाचार करता है, जो कलम के माध्यम से अत्याचार करता है, और कलम जब अत्याचार करता है तो तलवार करवट बदलता है, माने जिसका हक लुटाता है उसका सोच बदलता है। सर, तो आप अपने गीतों के माध्यम से इस व्यथा को कैसे सुनाएंगे? तो मैं उन लोगों को देखा ना टीवी में, तो अफसोस लगा कि क्या मजबूरी है जो ये लोग रंगदारी करता है, चोरी डकैती करता है, विकास काम में बाधक होता है। तब हमने गीत 3 मिनट का या 2.5 मिनट का छोटा सा गीत लिखा। जल जंगल जमीनी और खानी जिखा जाना, खानी जिखा जाना, लूटियो गेलो सुन आदिवासी, लूटियो गेलो सुन मूलवासी, तोर कहाँ ठिकाना, लूटियो गेलो सुन आदिवासी,
लूटियो गेल सुन मूल बसी तोर कहाँ ठेकाना, नौकरी चाकरी रोजी रोटी रे सभे जाल ढोटी। लूटियो गेल सुन आदी बसी, लूटियो गेल सुन मूल बसी तोर कहाँ ठेकाना। रे बनल बनल छाइला में दाग लगी गेलौ, रे दाग लगी गेलौ। सोना रूपा बेटी दिल्ली में बेचाय गेल, कटी सुन आदी बसी तोर कहाँ ठेकाना। कटी सुन मूल बसी तोर कहाँ ठेकाना। सर, मंसूरी जी हमेशा जल जंगल और जमीन की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं। आज आपके झारखंड में भाषा विवाद, 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये जो मुद्दा है राज्य जल रहा है। सर, तो आप क्या चाहते हैं कि 1932 का जो खतियान आधारित स्थानीय नीति है लागू हो? सर, आपका क्या वक्तव्य है? सर, आप क्या चाहते हैं? राज्य के जिम्मेवार व्यक्ति जो हमारे जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, सांसद है, विधायक है, उनको मैंने सबसे पहले इन समस्याओं पर अपना वक्तव्य देना चाहिए और इन झंझट को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए। मैं सोचता हूँ अगर वो लोग नहीं करते हैं तो राज तो दुर्भाग्य के मार्ग में चला जाएगा। आदमी अपना पहचान तो नहीं ना छोड़ेगा। मैंने इस संबंध में भाषा के बारे कहा हूँ, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, एहे मने साध हमर एहे अभिलाषा। हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, एहे मने साध हमर एहे अभिलाषा। आयो कोखी जन्म लेली धरती टेकली, एहे भाषा एहे बानी दुनिया देखली। अमृत समान हमर चाहे तीता कासा, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा। हर आदमी को, हर राज को, हर देश को अपनी भाषा से प्यार होता है और भाषा पर अगर आपत्ति होता है। भाषा लेकर बांग्लादेश बन गया, सिर्फ भाषा कर लेके बांग्लादेश बना है। और नहीं तो क्या है, वो लोग पाकिस्तानी लोग भी मुसलमान और ये बांग्लादेश के लोग भी मुसलमान, सौ जातीय तो सब थे, लेकिन मातृभाषा के लिए देश विभाजन हो गया। ये बात जिम्मेवार व्यक्ति लोग सोचे, भाषा तो हमारा बचना चाहिए। सर, जो झारखंड की जो पूरे विश्व में पहचान है, अपनी जल जंगल जमीन कला संस्कृति, यहाँ की जो सभ्यता है उसे लेकर है, तो जो मंसूरी जी हैं अपने गीतों के माध्यम से जो खूबसूरती है झारखंड को, उसे कैसे दर्शाएंगे? देखिए, इस बात का दुर्भाग्य है, पुरखों ने कहा है कि अति सुंदरी का जात नहीं। समाज में जो बेटी बहन बहुत सुंदरी होता है ना, आदमी उस पर कंकड़ फेंकता है, बुरा नज़र डालता है, उसको भटकाता है, उसको गुमराह करता है, उसका प्रतिष्ठा को समाज में अच्छा बचने नहीं देता है। तो अति सुंदरी का जात नहीं, अति कारीगर को भात नहीं। जो बहुत कारीगर है ना, वो अपनी घमंड में बाल बच्चा को ठीक से पालता नहीं है, काम धंधा ठीक नहीं करता है, उसमें एक घमंड आ जाता है। तो हमारा राज अति सुंदरी है, अति सुंदर है, चाहे यहाँ के भोले मानव संसाधन भोले भाले हैं और यहाँ के जंगल से इस मैंने क्या है, झारखंड आच्छादित है, हरा भरा है, तरह तरह का औषधि जो नहीं होता है वनों से जंगलों से मिलता है, जड़ी बूटी की दवा, उस मामले में सुंदर है। और यहाँ खनिज संपदा इस कदर है कि देश को 41% भारत को यहाँ का खनिज देता है। आपको हम बता देता हूँ, सिर्फ खनिज यहाँ है इसलिए यह अशांत है। अगर यहाँ कुछ नहीं रहता तो यह अशांत नहीं रहता। तेल जहाँ मिलता है, पेट्रोल वगैरह, उस पर लोगों का बुरा नज़र रहता है। हम तो इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन किसी विद्वान ने कहा था कि अफगानिस्तान जो स्थान था ना, वहाँ भी खनिज की कमी नहीं है, इसलिए दूसरे देशों का उस पर नज़र रहता है। तो दुर्भाग्य है, ये जो सुखी संपन्न और खनिज संपदा से भरा हुआ है, इसलिए यह अशांत रहता है। देखिए, आज ही देखिए,
5 गाड़ी कोयला पकड़ाया है और सभी अपराधी बिहार के हैं, माने सभी माफिया। तो देखिए इधर आक्रमण हो गया है लूट में, क्या बोला जाए। तो ये जिम्मेवारी मेरा नहीं, आपका नहीं, ये जिम्मेवारी जिसके कंधे में इस राज की जिम्मेवारी है, जिसे हम वोट दे के इस राज की जिम्मेवारी सौंपे हैं, उनको ये समाधान निकालना चाहिए। अभी क्यों चुप रहते हैं यही जाने। अभी हाल में पता चला है कि ठेकेदार को खुश करने के लिए लोग इस्टीमेट बढ़ाते हैं। देखिए ये बहुत समस्या है, मेरे पास तो लिखा हुआ है, तो क्या किया जाए। ये जिम्मेवारी हमारे जनप्रतिनिधियों को है। सर, तो अपने गीतों के माध्यम से हमारी जो झारखंड की खूबसूरती है, जो यहाँ की मिट्टी की महक है, जो इसकी जो खुशबू है, उसे सर आप अपने गीतों के माध्यम से लिखिए। मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, इसको मैं 1978 में ये गीत को गाया था। रोके ले भाई मानी चल भाया सीना तानी छुआ बूढ़ा तरुणी जवान बूढ़ा तरुणी जवान हकया अपन डट मांगा छोड़ना मैदान लहू रंगे रंग देवा अपन विधान हकया अपन डट मांगा छोड़ना मैदान लहू रंगे रंग देवा अपन विधान। इस राज का लूट फुकारे दुदुम्भी दल बांधी बहु रंगी शंख घंट देई के आजान घंट देई के आजान एकता के पिए चल सभे मधुपान लहू रंगे रंग देव अपन विधान। झारखंड के लिए फिर से लड़ाई, फिर से आंदोलन करना होगा। सैद्धांतिक के सही, लेकिन आंदोलन तो करना होगा, नहीं तो जो लूट लूट की आदत बन गया है वो तो बेचारा जल्दी अपना मार्केट को खराब नहीं करेगा। ये सब बात बहुत दुखद है। आप लोग एक बात को कभी कभी प्रयास नहीं करते हैं या करते हैं, समय नहीं मिलता है। इस राज की दुर्भाग्य आज़ादी के बाद से है, अलग राज भर होने से नहीं, 2015 नवंबर से बाद नहीं, 1947 के बाद से है इस राज का दुर्भाग्य। इस राज में एक बहुत फुटबॉलर चैंपियन खिलाड़ी था, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिसके नाम से अब्दुल बारी पार्क मैदान बना था। अब्दुल बारी पार्क जी का हत्या हो गई था, पहला हत्या आज़ादी के बाद झारखंड से उसी का हुआ था। आज वो भी ख़त्म हो गया, आज उसके नाम से एक फुटबॉल मैदान था वो भी ख़त्म हो गया। दूसरा हत्या हुआ है, रामगढ़ का विधायक गोला चितरपुर का रहने वाला था मंजूर खान, उसका पटना में हुआ था। उसका तो रांची में होना चाहिए, तो पटना में का वो गुंडे कर रहा था जो उसका हत्या हो गया। तीसरा हत्या हुआ है झारखंड का 1984 में बिशुन महतो, काफ़ी छरहर गोरा नारा पढ़ा लिखा, काफ़ी डबल ए में ऐसा उसका हत्या हो गया था। बहुत कड़ा आदमी था, राज के हित में समाज के हित में उसकी हत्या हो गया। इस तरह से बिशुन महतो की हत्या हुई, तो सुनील महतो की हत्या हुई, तो निर्मल महतो की हत्या हुई, निर्मल महतो था ना, उनकी हत्या हुई, तो इस तरह से महेंद्र सिंह की हत्या हुई, तो वो जो मुंडा जी रमेश सिंह मुंडा थे उनकी हत्या हुई। बहुत दुर्भाग्य है इस राज में ना, आदमी भयभीत रहे और हमको लूटने का अवसर मिलता रहे, यही सब सोच है, दुर्भाग्य है। मैं सोचता हूँ मेरा भी हत्या कर दो, मैं भी नहीं बोलूँगा, हम तो बोलता रहता हूँ, बोलूँगा। राज के लिए तो हमको दर्द है, मैंने समय शक्ति नौकरी चाकरी सब इसके पीछे गंवाया हूँ, मैं परिवार उजाड़ा हूँ, और मेरा घर जाके देखो, कार ना बंगला, राज का सबसे बड़े कलाकार तुम लोग कहते हो और मेरा कोई कार बंगला नहीं है, ईमानदारी रखता हूँ, ये सब तो दुर्भाग्य है। अपने राज्य के लिए बोलता था, बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, ये कहना है पद्मश्री से सम्मानित
मंसूरी जी का। अब देखना होगा कि इनके बातों का, इनके जैसे कलाकारों का कितना असर राज्य सरकार पर पड़ता है। लाइव सेवन के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।